तालाब के पास रहने वाले मेंढकों का जीवन मंगलमय था। और वो अपनी मर्जी के मालिक थे। लेकिन आपस में किसी की नहीं बनती थी। एक हां तो एक ना बोलता। आखिर सब ने सोचा, क्यों ना हम अपने लिए एक नेता ढूंढ ले जो नियम और कानून का पालन करना सिखाए। यह संदेश लेकर वो जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर बोला, बहुत अच्छा। और एक लकड़ी का लट्ठा उठाकर तालाब में फेंकते हुए बोला, आज से ये तुम सबका नेता है। पहले तो सारे मेंढक लट्ठे को देखकर डर गए। जैसे ही वो लट्ठा पानी में गिरा, डर के मारे सारे मेंढक कोने में जाकर छुप गए। फिर धीरे धीरे सारे लट्ठे के आसपास घूमने लगे और डर निकल गया। वो सारे उस पर उछलने और कूदने लगे। कुछ दिन बाद फिर एक संदेश लेकर वो शेर के पास गए और कहा, हमें इससे बेहतर नेता चाहिए। अब तो सबक सिखाने का वक्त आ गया। इस बार शेर ने पानी का सांप तालाब में फेंका। और उस सांप ने मेंढकों को निगलना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये परिणाम होता है जब हम बिना सोचे समझे कोई चीज करते हैं। खरगोश और कछुआ। एक बार एक फुर्तीला और तेज खरगोश था। और उसे अपने ऊपर बहुत अहंकार था। कछुए ने उसके अहंकार को तोड़ने का सोचा और एक दौड़ में चुनौती दे डाली। सारे जानवर उसे देखने जमा हो गए। खरगोश दौड़ गया और थोड़ी देर बाद सुस्ताने के लिए रुका। पीछे कछुए को देखा। और चिल्लाया, तुम कैसे जीतोगे इतनी धीमी चाल लेके। खरगोश ने थोड़ी देर बाद अंगड़ाई ली और सड़क किनारे सो गया। अरे भाई, अभी तो बहुत समय है, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। कछुए ने इसका फायदा उठाया और अहंकारी खरगोश को सबक सिखाने के लिए चलता रहा, बिना रुके बिना थके। सारे जानवर देखकर तेजी से चिल्लाने लगे और ये देखकर खरगोश नींद से उठ गया। खरगोश जमाई लेकर उठा और दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ जीत की रेखा को पार करके विजयी हो चुका था। कहानी का सार, धीमी गति और स्थिरता से विजय मिलती है। शेर और चूहा। एक बार एक शेर था और वो जंगल में आराम से सो रहा था।
एक पिद्दी सा चूहा शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। इससे शेर जाग गया और अपना बड़ा सा पंजा उस चूहे पर रखा और अपने विशाल जबड़े को खाने के लिए खोल दिया। माफी सरकार, चूहा डर के बोला। माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यदि आपने इस बार छोड़ दिया तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, और हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊं। शेर उसके कहे में आ गया और अपना पंजा उस पर से हटा लिया। कुछ दिन बाद कुछ शिकारियों ने शेर को धर दबोचा और एक पेड़ के तने से बांध दिया और फिर एक बड़ी गाड़ी में उसे चिड़ियाघर ले जाने का इंतजाम किया। वहीं से चूहा गुजरा, उसने सब देखा और तुरंत शेर के पास जाके उसकी रस्सियों को काट कर खोल दिया। देखा, मैंने कहा था ना, एक न एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। कहानी का सार, छोटी सी विनम्रता और दया बड़े पुरस्कार देती है। पेड़ के तने में फंसी भूखी लोमड़ी। एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी थी। जिसे खाने की खोज थी, बड़ी तेज भूख थी। और बहुत कोशिशों के बाद भी खाने का कोई निशान न मिला। अंत में उसे एक पेड़ में सुराख दिखता है। उस सुराख के अंदर एक पोटली थी। लोमड़ी ने सोचा शायद इसमें खाना हो, और सोचकर बहुत ही खुश हुई। तुरंत वो उस सुराख में घुसी और उस पोटली को खोला और देखा कि उसमें रोटी है, मांस है और फल भी है। किसी लकड़हारे ने वहां अपना भोजन पोटली में रखा था और वो उस खाने को दोपहर में खाने वाला था। लोमड़ी बिना रुके भोजन को खाना शुरू कर देती है और पूरा खाना खत्म कर देती है। फिर प्यास के लिए दरिया की तरफ निकलती है, लेकिन जैसे ही वो अपना कदम बाहर निकालती है, वो सुराख में फंस चुकी होती है। ऐसा क्यों हुआ? यूं कि लोमड़ी ने इतना खा लिया कि वो भूल गई और सुराख में फंस गई। लोमड़ी बड़ी दुविधा में फंस जाती है और बोलती है, काश सुराख में कूदने से पहले बुद्धि का प्रयोग कर लिया होता। तो बच्चों, ये परिणाम होता है जब हम बिना सोचे समझे कोई चीज करते हैं। एक बार एक घमंडी घोड़ा था। उसने एक घोंगे को देखा धीरे धीरे चलते हुए। घोड़े ने उसको चिढ़ाया, क्या रे घोंगे, दौड़ लगाएगा? घोंगे को घोड़े पे गुस्सा आया। ठीक है, संडे को दौड़ लगाते हैं। घोंगा घर गया और कई घोंगों को एक साथ इकट्ठा किया और सब ने मिलकर घोड़े को सबक सिखाने का एक षड्यंत्र रचाया। उन लोगों ने सारे के सारे दौड़ की शुरू से आखिर तक एक एक जगह छुप गए। दौड़ शुरू हुई, घोड़ा आगे बढ़ा। देखता है घोंगा उससे आगे। फिर और तेज आगे बढ़ा, फिर देखता है घोंगा उससे आगे। ये देखकर घोड़ा परेशान हो गया और बोलने लगा,
अच्छा मैं हार गया, अब बस करो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक आदमी ने मुल्ला जी से बोला, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दो। अमा लेकिन पता क्या है, कहाँ जाना है चिट्ठी? आदमी बोला, बगदाद। मुल्ला जी बोले, माफ कीजिएगा, मैं बगदाद नहीं जा सकता। अरे आप नहीं, चिट्ठी जाना है बगदाद। मुल्ला जी, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी लिखी हुई चिट्ठी कौन समझेगा? मुझे ही जाके पढ़ना होगा ना। बिल्ली के गले में घंटी। एक गोदाम में एक बिल्ली रहती थी। वहां कई चूहे भी थे। सारे चूहे उस बिल्ली से डरते थे। हर दिन वो बिल्ली उन चूहों पर हमला करती। और उन्हें खा जाती। चूहे सोचते, कैसे इस बिल्ली से छुटकारा मिले? एक दिन चूहों की महफिल रची और खूब विचार विमर्श हुआ, क्या करना है? एक चूहा बोला, क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए? सब एक साथ बोल उठे, वाह क्या उपाय सोचा है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? चतुर मुर्गा। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। और खाने की खोज में बाहर निकली। उसने एक मुर्गे को छत पे देखा। लोमड़ी को शरारत सूझी। लोमड़ी ने उस मुर्गे को जमीन पे लाने का सोचा। अरे ओ मुर्गे मियाँ, बड़े दिन दिखे नहीं आप। आप काफी वजन घट गया और कमजोर भी दिख रहे हैं। नीचे आइए तो आपकी नब्ज देखूं। क्या कोई बीमारी है? मुर्गे ने कहा, हाँ मैं सही में बीमार हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं तो नीचे भी नहीं आ सकता। लोमड़ी ने सोचा, मुर्गा तो मुझसे ज्यादा चालाक है, मेरे यहाँ नहीं चलेगी। लोमड़ी और सारस। लोमड़ी और सारस की दोस्ती होती है। घर आओ कभी, खाना खाते हैं। लोमड़ी ने सारस को खाने पे बुलाया। और खिचड़ी बनाई। सारस ने अपनी चोंच खिचड़ी पर डाली, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद वो खिचड़ी खा न सका। मेरे पास कुछ और नहीं है परोसने को। सारस बोला, कोई बात नहीं, अब की बार तुम आओ मेरे घर, मुझे भी सेवा का मौका दो। कुछ दिन बाद लोमड़ी सारस के घर गई। सारस
सारस ने फिश करी बनाई और एक छोटे मुंह वाले बर्तन में परोसी। लोमड़ी ने बर्तन के चारों तरफ मुंह घुमाया, फिश करी को सूंघा, मगर उसके मुंह कुछ न लगा। सारस, क्या कोई ऐसे करी खाता है? सारस ने अपनी चोंच निकाली और पूरी करी एक बार में समेट के खा ली। गुस्सा मत हो यार, मेरे पास परोसने के लिए कुछ और नहीं है। लोमड़ी भूख और गुस्से से लाल हो गई और उसके बाद दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।